अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मिल्लत इस्लामिया के शेर दिल नौजवानों, हमारे कानों तक ये आवाज़ क्या अभी नहीं पहुंची कि हमारे अपने मुल्क में हमारे रसूल के ख़िलाफ़, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। हमारे रसूल काली कमली वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुल मर्तबत शान पर जालिम ने अंगुष्ट नुमाई करने की कोशिश की है। मलऊन ने पूरे तरीके से अपनी हद को पार करके मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है। मुझे नहीं लगता कि आपके कानों तक आवाज़ पहुंची है। अगर आपके कानों तक आवाज़ पहुंचती तो मैं नहीं समझता कि कोई मेरा नौजवान चैन की सांस ले सकता। क्या ये हो सकता है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हो और हम अपने घरों में खामोश बैठे रहें? हम इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन मलौनों के ख़िलाफ़, इन गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ एहतजाज की आवाज़ बुलंद न करें? यह नहीं हो सकता। मेरे नौजवानों, तुम्हारे धड़कते दिलों में, तुम्हारे सीनों में इश्क़ रसूल की आग दहकती है। तुम अल्लाह के रसूल के नाम पर मर मिटने वाले हो। तुम हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की पाकीज़ा उम्मत हो। नौजवानों, तुम्हें नामूस रिसालत का वास्ता, बुजदिली के खौल से बाहर आओ, बुजदिली से निकलो। क्या हम इतने मर चुके कि हुजूर की शान पर कोई उंगली उठाए और हम आवाज़ तक न निकाल सके? होना तो ये चाहिए था कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन अगर हम ये न कर सके तो इतना तो करें कि इन जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, इनको सजा दिलाने के लिए एक जम्मे गफीर के साथ बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाज की आवाज़ हम बुलंद करें। गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, गुलाम हैं, रसूल के गुलाम हैं। गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। हमें आना है बरोज़ जुमा 10 जून बाद नमाज जुमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पिंपरी पर। आओगे ना? इश्क रसूल अगर है दिल में तो आओगे। मेरी आवाज़ पर नहीं, अल्लाह के रसूल की नामूस के खातिर तुम्हें आना है। जो भी कलमा को मुसलमान है उसे जालिमों को, मलोनों को कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए, एहतजाज की आवाज़ बुलंद करने के लिए पिंपरी पहुंचना है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे धड़कते दिलों में इश्क रसूल की आग तुम्हें चैन से बैठने नहीं देगी। तुम ज़रूर पहुँचोगे और मलोनों को उनके कैफर किरदार तक पहुँचना होगा। तुम्हारे आवाज़ की धमक पर हुकूमत को, पुलिस के महकमे को खड़े होकर उन जालिमों को गिरफ्तार करना होगा, उन्हें सज़ा देनी होगी। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ, जुमा के दिन बाद नमाज जुमा 10 जून डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक पर अपने नबी के नामूस की खातिर जमा हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।